डभोई तालुका के भीमपुरा पास नर्मदा कैनाल में पानी भरने गए वैसे पौत्र और दादा की पैर फिसलने के कारण मौत होते हुए दादा और पौत्र की एक साथ मृत्यु के कारण पूरे गांव में गहरा मातम छाया था। मिली जानकारी के आधार पर डभोई तालुका के भीमपुरा गांव में आई हुई नर्मदा कैनाल में पानी भरने गए वैसे पौत्र और दादा की मौत होते हुए गांव में गहरा मातम और शोक छाया था, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि ऊपरवास में भारी बारिश की सीधी असर नर्मदा में नए नीर का आगमन हुआ है, जिसके सीधे असर के भाग रूप नर्मदा कैनाल में भी नए पानी का बहाव आते हुए नर्मदा कैनाल में पानी भरने गए वैसे पौत्र का पैर फिसलने के साथ पौत्र को बचाने के लिए दादा ने भी कैनाल में छलांग लगाई थी, तो वहीं पानी के ज्यादा बहाव में पौत्र और दादा दोनों ही डूबने के कारण लापता बनते हुए दोनों की मृत्यु हो चुकी। भीमपुरा के पास से गुजरती वैसी नर्मदा कैनाल में पौत्र वैसे हरीश जयदेव पाटनवाड़िया तथा दादा त्रिभुवन देसाई भाई पाटनवाड़िया दोनों ही कैनाल के पास पानी भरने गए थे, जहां पौत्र ने कैनाल में उतरकर पानी भरने जाने के दौरान पैर फिसल जाते हुए उसके बचाव में दादा ने भी कैनाल के पानी में छलांग लगाई थी, लेकिन ज्यादा पानी के बहाव में दोनों डूबते चले जाने के बाद लापता हुए थे, जहां जिसकी बाद वडोदरा फायर ब्रिगेड को जानकारी देते हुए गांव के तेरानी तथा फायर ब्रिगेड की जांच पड़ताल के आधार पर दोनों के शव को पानी के कैनाल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी देते हुए पुलिस स्थल पर पहुंचकर दोनों दादा और पौत्र के मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ सघन तहकीकात का दौर जारी किया है। तो वहीं पौत्र और दादा की मौत के साथ भीमपुरा गाँव में भी गहरा शोक छाया था। डभोई तालुका भीमपुरा गाम त्या आगे एमना केनाल नजीक एमना खेतर ने अंदर दवा छाटवाना उपयोग माटे पानी लेवा गएल त्रिभुवन भाई देसाई हरेश भाई पाटनवाड़ हरेश भाई त्रिभुवन हरेश भाई जयदेव भाई पाटनवाड़िया पानी लेवा माटे गएला अने पानी केनाल माथी काढ़ता पग स्लीप मरी गयो अने अंदर डूबी गए ने बचाव माटे त्रिभुवन भाई पोते एमने दादा बचाव माटे गएला पण ते पण अंदर डूबी गया अने घटना स्थले जे बने व्यक्तिनुं मौत थयुं अने अमे बचाव बूमा बूम थता अमे बधा गाम लोको बचाव माटे गया अने मृतदेहो बन्ने अमे बहार काढेली छे अने अत्यारे डभोई सरकारी हॉस्पिटलमां लई आया छे। बराबर छे।